जो लास्ट पार्ट था उसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस किए उसके आंसर भी हम लोग ने डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने क्या किया था कि जो छोड़ दिए थे उसको आप लोग को क्या करना था, कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी केबल रिलेटेड ही है, जिसमें तीन पार्ट है मैंने आपको जो पहले ही डिस्कस किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले केबल के जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें छह पार्ट होते हैं केबल के, जो भाग होते हैं छह भाग होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, जैसे आपको दिख रहा है। कंडक्टर का यूज़ क्या होता है तो सबको मालूम ही है, करंट को एक जगह दूसरी जगह प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर का काम क्या होता है, उसको कंडक्टर जो होता है उसको क्या होता है सुरक्षा प्रदान करता है। उस इंसुलेशन के ऊपर क्या लगा है, लीड शीट। लीड शीट क्या करता है कि अगर कभी भी वायर को मोड़ा ओड़ा जाए तो वो क्या रहता है कि उस इंसुलेशन या कंडक्टर टूट नहीं जाए, मतलब कि कहीं से ब्रेक नहीं हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लीड शीट का यूज़ करते हैं। लीड शीट को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बेडिंग का यूज़ करते हैं, बेडिंग का यूज़ करते हैं। और बेडिंग के ऊपर क्या लगा रहता है, आर्मिंग। आर्मिंग का यूज़ किस लिए करते हैं कि जब भी हम लोग कभी भी केबल को एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह खींचते हैं या फिर एक दूसरे दूसरे जगह फेंकते हैं तो क्या होता है कि किसी भी प्रकार का मैकेनिकल उसमें फॉल्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, आर्मिंग का यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप का हम आर्मिंग का यूज़ करते हैं, स्टील का भी बना होता है। अलग अलग टाइप का हम लोग क्या कहते हैं आर्मिंग का यूज़ करते हैं। उसके आर्मिंग के ऊपर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सर्विंग का यूज़ करते हैं। इसको आर्मिंग को प्रोटेक्शन जो देता है। और अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो उस पर जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोर के आधार पर केबल का प्रकार। तो केबल का कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो 3.5 का कोर का भी केबल होता है, 2 कोर का भी केबल होता है, 3 कोर का भी। 3.5 कोर का जो केबल होता है उसमें 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक केबल की संरचना का भाग नहीं है। तो हम लोग ने अभी देखा है पिछले की पीछे ही वीडियो में कि कौन कौन से केबल का भाग होता है, तो चालक होता है, कंडक्टर होता है, वेडिंग होता है, इंसुलेशन होता है, वैक्स नहीं होता है। मेटालिक शीथ चालक को क्या प्रदान करती है, मेटालिक शीथ चालक को क्या प्रदान करती है, तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। कॉटन का आच्छादित केबल का उपयोग किया जाता है, तो कॉटन का आच्छादित केबल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में भी किया जाता है, सोल्डिंग आयरन में भी किया जाता है, विद्युत प्रेस में भी किया जाता है, सभी जगह पे किया जाता है। कॉटन आच्छादित केबल की वोल्टेज परास कितनी होती है, तो कॉटन जो केबल होती है उसकी वोल्टेज क्षमता कितनी होती है, 250 वोल्ट होती है। हम लोग ने देखा है इन सब इक्विपमेंट है उसमें वायर जो होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, कॉटन के और कॉटन लगी कपड़े जैसा लगाया रहता है। कॉटन आच्छादित केबल में इंसुलेशन होता है, तो कौन कौन सा इंसुलेशन होता है, तो वल्कनाइज रबर भी होता है और सीट टफ रबर भी होता है। नाइक्रोम तार बनाया जाता है, तो निकल और क्रोमियम से बनाया जाता है नाइक्रोम तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, पहले भी डिस्कस हो चुका है, 1.7 × 10⁻⁶ ohm सेंटीमीटर होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता प्रसार की। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो उसकी प्रतिरोधकता होती है 10⁻⁶ से या 0.1 से लेकर 10⁻⁶ ohm मीटर जितना होता है। स्टार्टर में प्रयुक्त होता है, तो किसका यूज़ करते हैं स्टार्टर में, तो यूरेका तार का यूज़ करते हैं। भूमिगत केबल को असुरक्षित किया जाता है, जो भूमिगत केबल है उसको मैकेनिकल इंजरी नहीं पहुँचे, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो पत्थर की परत से बनाए, पत्थर की परत का यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो दूसरा पार्ट था वो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग आगे की वीडियो में देखते हैं। ये भी जो नेक्स्ट पार्ट भी रहेगा, तीसरा पार्ट भी किससे किस बेस पे रहेगा, केबल के बेस पे ही रहने वाला है। तो तभी के लिए आप लोग बराबर से वीडियो को देखिए, और जो कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आया, मैं बार बार कहता हूँ, जो कुछ भी आप लोग को समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, जिससे क्या रहेगा कि आपको जितने भी डाउट होंगे वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तभी के लिए ये वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।